हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और थर्सडे की शाम हो रही है और इस शाम को हम कुछ खास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि थर्सडे के दिन बाद आता है फ्राइडे, तो उससे पहले कुछ अच्छा बना के खाने का मन करता है मेरा। तो अभी मैं आज पालक लेके आई थी, तो मैंने सोच रखा था कि पालक से मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, तो मैंने ये साफ़ करके रखी थी। इसको अच्छे से 3-4 बार पानी से मैं धो ले रही हूँ। मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं आता। मैं जैसे बना रही हूँ वैसे बना लूंगी। तो क्या और पालक आलू बना? हाँ, पालक मटर बना। पनीर मैंने फ्रिज में रखवा दिया है, क्योंकि मुझे पालक पनीर इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ, अगर ये बनाएंगे ना एक बार, तो पालक पनीर भी फीका पड़ जाएगा। फिर कोई घर पे नहीं कहेगा कि उसे पनीर पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, इसको चॉपर से चॉप कर लिया है। क्या बेटा? सरप्राइज लाए हो? आंखें बंद ही रखे हैं। ये किचन से मुझे कई बार ले जाता है जब मैं कुछ कर रही होती हूँ। कई बार आप लोग वीडियो में देखते होंगे, कई बार नहीं बनाती हूँ, बीच में कई बार ले जाता है और जिद कर जाता है अगर ना जाओ तो। फिर वापस से आके वहीं शुरू किया मैंने। और यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है, लहसुन को भी चॉपर से ये देखिए चॉप कर लिया है। इसको या तो थोड़ा सा कूट लें, लेकिन सारी चीज़ें इसमें ऐसी खड़ी खड़ी ही डालेंगे, पीसना नहीं है। तो पूरी मैंने एक लहसुन की जो गांठ होती है पूरी छील के और पूरी ही चॉप कर ली है, क्योंकि इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पालक में। और यहाँ पर ले लिया है मैंने मीडियम साइज के 3-4 टमाटर, इनको भी चॉपर से ही ऐसे दरदरा कर लिया है। मटर छील ली थी मैंने सामने। सब्जी की सारी तैयारी करके रख दी है, बस बनाने को रह गई है। शाम का टाइम हो रहा था, चाय बनी थी और ये भी कुछ खाने को मांग रहा था, तो थोड़े से पापड़ रखे थे तो वो मैंने निकाल दिए हैं। तो मैंने कहा चलो इनको मैं थोड़ा सा भून देती हूँ, तो ये चाय के साथ हो जाएंगे। और दूसरी तरफ मैंने रख दिया था पानी बॉयल होने के लिए, हल्का सा नमक डाल के। तो ये अच्छे से बॉयल हो रहा है और इसमें मैं डाल दूँगी पालक जो धुली हुई रखी थी, और बस इसको अच्छे से पानी में डुबा दूँगी और 2-3 मिनट इसको पानी में ही अच्छे से बॉयल कर लेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट में ही पालक अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और दूसरे बाउल में यहाँ पर मैंने ले लिया है ठंडा पानी, इसी में मैंने पालक को निकाल ले रही हूँ ताकि इसका कलर भी चेंज ना हो और जल्दी से ठंडी हो जाए। और उसके बाद में जो गर्म पानी है ना भगोने में, अभी एकदम गर्म है और गैस अभी धीमी चल रही है, इसी में मैंने डाल दिया ये मटर, तो ये मटर भी बॉयल हो जाएगा। तो 3-4 मिनट में मटर अच्छे से बॉयल हो गया। जब तक मटर बॉयल हो रहा था तब तक हमने चाय पी ली है। और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर मैंने चढ़ाई है कढ़ाई, इसमें डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो जीरा डाल दिया है, जीरा चटकने लगा है तो हींग डाल दी है। उसके बाद में ये हरी मिर्च काट के डाल दी है। यहाँ पर आप लाल सूखी मिर्च भी डाल दें, वो देखने में अच्छी लगती है, नहीं है तो केवल हरी डाल दें। उसके बाद में लहसुन और अदरक डाल दिया है, अदरक भी मैंने थोड़ा सा अलग से कूट लिया था। और उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी। प्याज जब भुन गई थी तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के बेसन डाल दिया था। बेसन से एक तो सब्जी में बहुत सौंधापन आता है, दूसरा ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा प्याज लिया था, मतलब ग्रेवी बनानी है तो अच्छे से प्याज टमाटर
टमाटर तो डालना ही पड़ेगा, तो अगर आप बड़ा इतना प्याज नहीं डालना है तो कम से कम 2-3 प्याज डालनी पड़ेगी। उसके बाद बेसन अच्छे से भुन गया था तो मैंने इसमें डाल दिया था टमाटर, और टमाटर ये देखिए पकने लगा है तो इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसाले में जो हम रेगुलर सब्जी में डालते हैं, हल्दी मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, क्योंकि कलर भी इसमें तो हरी बननी है लेकिन चाहो तो डाल दो। लेकिन मैंने अभी ये मसाला पक रहा है ना तो इसका कलर बहुत अच्छे खिल के आ रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च इसीलिए डाल दी थी। उसके बाद में ये देखिए मसाले ने तेल को अच्छे से छोड़ दिया, ये देखिए बहुत अच्छे से मसाला पक चुका है एकदम। तब मैंने इसमें पालक डाली है और पालक को भी मैंने एकदम खड़ा खड़ा पीसा था। ये देखिए एकदम पेस्ट नहीं बनाया, जो एकदम पेस्ट जैसी पिस जाती है ना, चिकनी सी हो जाती है, उसमें वो मज़ा नहीं आता है। इसलिए जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैंने काट पीट के भी डाली हैं वो भी थोड़ा थोड़ा सा खड़े रहे हैं, और पालक भी हमारी थोड़ी थोड़ी सी खड़ी है। देखिए कहीं कहीं इसमें पत्तियाँ भी दिख रही हैं हल्की हल्की सी। ऐसे ही रखना है और बस इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं जार को धो के थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ, और पानी भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसको हम गाढ़ा ही रखेंगे और ये खाने में गाढ़ी ही अच्छी लगेगी। तो इसमें पर्याप्त ग्रेवी पहले से ही है तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये अच्छे से बॉयल होने लगे तो इसमें हम मटर डाल देंगे, जो हमारी बॉयल मटर रखी है ना। पहले हम इसे 3-4 मिनट सब्जी को अच्छे से बॉयल कर लेंगे, तब इसमें हम मटर डालेंगे। ये देखिए मटर अच्छे से बॉयल रखी है, और इसमें क्या है, अब मटर को ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा क्योंकि ये पहले से उबल चुकी है। तो ये बहुत उबलने से मटर का टेस्ट भी अच्छा आता है, जैसे सफल मटर होती है ना एकदम नरम हो जाती है, उसी तरह नरम हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने इस मटर को भी डाल दिया है, और मटर डालने के बाद में इसको 3-4 मिनट और अच्छे से सब्जी को पका लेंगे और थोड़ा सा ढक देंगे। मैंने ढका इसलिए था क्योंकि ये फदक रही है बहुत ज़्यादा, ये देखिए बुलबुले आ रहे हैं तो ऊपर आएगी छींटे, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसे खोल के और आधा ढक दे रही हूँ। सब्जी को जितना पकाना था पक के रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में लिया 1 चम्मच की, और मैंने जो बाकी का लहसुन बचा के रखा था इसलिए मैंने पूरे में अदरक नहीं मिलाया था, अदरक मैंने अलग से डाला था काट के, इसलिए वो जो लहसुन बचा था उसको मैंने घी में डाला। इसमें थोड़ा सा डाले हैं सफ़ेद वाले तिल, और ये तिल और लहसुन अच्छे से पक रहे हैं तो इसमें डाल दिए हरी मिर्ची, और बस इसका लगाएंगे एक इसमें तड़का। और ये देखिए हमारी सब्जी कितनी यमी दिख रही है, और इस तड़के ने इसको और इसका स्वाद बढ़ा दिया। थोड़ा सा धनिया डाल के ढक देंगे ताकि इसकी जो खुशबू है इसमें बरकरार रहे। साथ में मैंने यहाँ पर बना ली है रोटी, और साथ में बीच में मैंने चावल रख दिए थे, चावल हो चुके हैं, बस रोटी सेकने के लिए रह गई है। तो बस आ जाइए आप लोग भी डिनर में, और इस सब्जी को पूरी के साथ खाओ, पराठे के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, किसी के भी साथ खाओ या सूखी खाओ तो भी अच्छी लगेगी। तो आ जाइए, मैंने यहाँ पर खाना लगा दिया है। और कल की सब्जी मुझे आज तक याद है, बहुत ही अच्छी बनी थी, डिनर में पालक और मटर बनाई थी। तो अभी हो रहा है फ्राइडे का दिन, खाना वाना बन गया था, इनके टिफ़िन लग गए थे, उसके बाद किचन साफ़ करके मैंने दूसरी तरफ जो किचन की स्लैब है वहाँ पे सारा खाना रख देती हूँ, और यहाँ पर फिर से गैस वैस साफ़ कर दी थी। नहा के आई हूँ और ये शकरकंदी लेके आई थी, तो इनको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जब तक मैं और अपना काम वाम करूँगी तब तक ये गैस में धीरे धीरे बॉयल होते रहेंगे। और यहाँ पर मैंने पूजा के सारे बर्तन मांज लिए हैं, और उसमें साथ में भोग निकाल दिया है चने का। शकरकंदी मैंने इसलिए अभी बॉयल होने को रख ली थी, अभी मैंने मुझे खाना तो नहीं है, लेकिन अभी क्या है गैस वैस साफ थी। उसके बाद दोपहर में मैं अयान के लिए लंच में फिर से चावल बनाऊंगी, तो फिर मैं गैस साफ़ नहीं करती उतनी जल्दी, तो अभी मैंने इसीलिए रख दिया था कि बॉयल रखी रहेंगी। और यहाँ पर निकाल दिया है गुड़, इसी में से हवन के लिए भी निकाल लूँगी, उसी में से प्रसाद के लिए भी। उसके बाद यहाँ पर मैंने चौकी भी धो ली है, और ये माता का बिठाने वाला कपड़ा भी धो के डाल आई थी पानी से तो सूख गया है, और बस यहाँ पर लगा दे रही हूँ सारा सामान। और बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं कि इस व्रत में घी का दीपक जलाते हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार मैं कहती हूँ मैं घी नहीं खाती हूँ क्योंकि घी में खटाई होती है, तो खाती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन दीपक जलाते हैं क्योंकि कथा में भी लिखा है कि घी के दीपक को जला के जल के पात्र को आगे रख के कथा कहनी सुननी चाहिए, जब कोई कथा सुनने वाला ना हो तो घी का दीपक जला सकते हैं। और यहाँ देखिए मेरा गुलाब बहुत
अच्छा लग रहा था रोड से देखने में, तो मैंने यहाँ पर साड़ी पहन ली है कथा के लिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और अभी मैं आयान के कमरे से आज वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही थी पूजा करने, तो मैंने यहीं पर साड़ी में पिन वगैरह लगाया था, तो मैं यही हाय हेलो करने लगी। और ये टेम्पल उस दिन निकाला था ना, वो भी इसी कमरे में रख दिया है, क्योंकि उस दिन वो कारपेंटर भैया आए थे, उनसे बोला था लेकिन वो ले नहीं गए, कह रहे थे बाद में ले जाऊंगा। तो यहाँ सारा फूल मैं पीले वाले तोड़ लाई हूँ, मैंने गुलाब का नहीं तोड़ा है। एक पूरा खिल गया जो रोड साइड जा रहा है, और एक अभी कली थोड़ी थोड़ी सी खिल रही है, और दोनों बाहर निकल गए घर से, वहाँ जाके खिले हैं। तो मेरा मन नहीं कर रहा था, एकदम सिंदूरी कलर के गुलाब हैं वो दोनों, तो मैं पीले वाले। तो यहाँ पर मैंने कथा कर ली है, और मैं आरती में भी दीपक जलाती हूँ, कलश में भी दीपक रखती हूँ। तो जब तक दीपक नहीं जलाएंगे तो कोई भी पूजा कथा कैसे होगी? तो इसमें नहीं मानते हैं, जो चीज़ें उसमें लिखी हैं वो हम कर सकते हैं, जो नहीं है तो वो नहीं कर सकते। खाने में बस परहेज है। और बस यहाँ पूजा कथा करके मैं आ गई हूँ, यहाँ तुलसा जी में भी कर लेती हूँ। ये देखिए, और डुप्लीकेट फ्लावर ये अयान ने लगा दिए हैं तुलसा जी में, वो लगे हुए हैं रेड रेड। तो बस यहाँ भी मैंने आरती कर दी है। और काम आम से फ्री होके यहाँ पर मैंने ये शकरकंदी छील दी थी, और इसमें थोड़ा सा दूध और चीनी डाल दी है। तो मैंने दिन में एक बार यही खा लिया था, फिर चाय वाय नहीं पी थी। फिर उसके बाद दिन में और अपना काम वाम निपटाए, कपड़े उपड़े धोने थे वो सब, फिर उसके बाद वीडियो की एडिटिंग करनी होती है। अयान स्कूल से आ गए, उनको संभालना तो अब हो गई है शाम। पर ये बना रहे हैं शाम वाली चाय, व्रत वाले दिन ये आके बना देते हैं, क्योंकि दिन में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो ये शाम को चाय बना देते हैं, फिर व्रत का खाना आराम से बनता रहेगा, क्योंकि एक चाय पी लो तो थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। तो चलिए, इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलूंगी आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।